दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 1 GB क्या होता है और 1 GB बराबर कितना MB होता है और 1 GB बराबर कितना KB होता है और ये B क्या होता है, K क्या होता है, M क्या होता है, G क्या होता है, पूरा डिटेल कंप्लीट डिटेल मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और जिंदगी भर ये याद रहेगा। और देश के हर नागरिक मोबाइल तो यूज करता है और व्हाट्सएप फेसबुक डेटा सभी यूज कर रहे हैं और आने वाले जिंदगी में और ज्यादा ये यूज होने वाला है, तो इसके बारे में जानना सभी को जरूरी है। जो स्टूडेंट है उनके लिए भी जरूरी है, जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी जरूरी है। हर जगह पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए और आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए हमेशा वीडियो जो है इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले फुल फॉर्म बताते हैं, GB क्या होता है। जी के मतलब होता है जीगा, जीगा, इसको जीगा बोलते हैं और गीगा भी बोलते हैं बहुत लोग। और बी के मतलब क्या है, बाइट, बाइट, बी के मतलब बाइट है। और यहाँ एम का मतलब है मेगा, मेगा, और बी के मतलब बाइट है। और के मतलब यहाँ है किलो, जो 1 किलो 2 किलो आप आम लाते हैं, 1-2 किलो कुछ भी लाते हैं, आटा चावल लाते हैं, वो किलो है। के मतलब किलो है, एम मतलब मेगा है और जी मतलब जीगा है। अब 10 के पावर की बात करें तो ये 10 के पावर जो जनरली होता है, मेगा को जो हम लोग यूज करते हैं और किलो को जो यूज करते हैं, 10 के पावर किलो मतलब 10 के पावर 3, ये 10 के पावर 6 और ये 10 के पावर 9, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब 1 GB में कितना MB होता है, 1 GB में 1 GB इज इक्वल टू होता है 1024 MB, इतना होता है। और अगर 1.5 GB की बात करें तो 1.5 अगर GB आपको डेटा मिलता है जियो से, तो ये हो गया 1024 MB प्लस 512 MB, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1536 MB। तो आपका 1.5 GB का भी कैलकुलेशन निकल गया। अब 1 MB बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर कितना KB होता है, तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB। तो आप अब कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ये मैंने इसको बॉक्स में घेर दूंगा जिससे आपको जिंदगी भर याद रहे कि 1 GB में कितना MB होता है। और जी मतलब जीगा या गीगा पढ़ सकते हैं, गीगा बाइट। और ये है बी, मतलब यहाँ भी ये बाइट है और ये भी बी मतलब क्या है, बाइट है। तो जीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। और 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, मेगाबाइट, और 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। और 1.5 GB जहां जिसको डेटा मिलता है यानी उसको 1536 MB मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो केबी होता है, 1 KB इज इक्वल टू कितना होता है, 1 KB इज इक्वल टू 1024 BB। बी क्या है, बाइट है। अब 1 BB जो होता है, 1 BB इज इक्वल टू होता है 8 BB। अब ये बिट क्या होता है, बिट क्या होता है, 1 BB इज इक्वल टू होता है 1010, अगर इसमें ये है 4 BB, कितना है 4 BB, तो 1 BB इज इक्वल टू कोई एक हो गया तो 1 BB हो गया, 1 BB इसको भी बोल सकते हैं, अगर कोई 10 है तो इसको भी 1 BB बोल सकते हैं। तो ये जो है 1 BB इज इक्वल टू 0 या 1 BB इज इक्वल टू 1, अगर ये है 1010 यानी ये 4 BB है। अगर कहीं लिखा हो ऐसे, मान लीजिए कहीं यहां लिखा हो 10111, तो ये कितना हो गया, ये 5 BB हो गया, कितना हो गया, 5 BB हो गया। इसी तरह 10111111 कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 8 BB हो गया। 8 BB इज इक्वल टू 1 BB, तो 8 BB इज इक्वल टू 1 BB। और 1024 BB इक्वल टू 1 KB। और ये MB और सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया, 1 GB इक्वल टू 1024 MB। आप 10 बार बोलेंगे, 10 बार लिखेंगे, आपको जिंदगी भर याद हो जाएगा। 1 MB इक्वल टू 1024 KB और 1 KB इक्वल टू 1024 BB, राइट। और 1 BB इक्वल टू 8 BB और 1 BB इक्वल टू 0 या 1, कोई ये भी 1 BB है, ये भी 1 BB है। अगर ये 5 स्ट्रिंग है इसमें, अगर ये आप देख रहे हैं कि 5 का ये स्ट्रिंग है 5, तो आपको ये 5 BB होगा, ठीक है। अगर इसमें 8 ऐसा है तो 8 BB होगा, 8 BB इक्वल टू 1 BB। और ये 1010 है, बिट है, ये तो 4 BB हो गया, तो ये 4 BB हो गया, 1 BB हो गया, 1 BB हो गया, बाइट हो गया, किलो बाइट हो गया, मेगा बाइट हो गया, जीगा बाइट हो गया। तो आपका जो भी कंसेप्ट था वो सारा क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी क्योंकि सब इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए और आपके परिवार के हित के लिए, आपके देश के हित के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक पुण्य और नेकी का काम कीजिएगा, शेयर करके देश की जनता को जागरूक करना, पढ़ाना लिखाना और मजबूत देश बनाना आपका एक फर्ज है, ये फर्ज निभाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रहिए के फिर मिलेंगे, चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।